अगर हमारे घर का वास्तु दोष सही नहीं है तो हमारे जीवन में कई तरह की समस्याओं जैसे खराब स्वास्थ्य, करियर परेशानी, धन की कमी एवं व्यापार में असफलता जैसी परेशानियां लगी रहती हैं। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने बताया कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपाय से घर में बिना तोड़फोड़ किए इन्हें अपना सकते हैं। कई लोगों को बहुत ही मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती है एवं सफल नहीं हो पाते हैं। साथ ही इनके गृह कलेश एवं घर में तूतू मैमे की स्थिति भी बनी रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण घर का वास्तु दोष होता है। अगर हमें बिना तोड़फोड़ के घर का वास्तु दोष सही करना है तो यहाँ जानिए कुछ आसान उपाय। देखिए, वर्तमान में व्यक्ति जो है छोटे छोटे प्लाटों पर मकान बना रहा है, तो छोटे प्लाट जैसे 600 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट, इतने छोटे छोटे प्लाटों में वास्तु के सारे नियमों का पालन नहीं होता है, तो कई व्यक्ति वास्तु दोष से युक्त मकान बना लेते हैं। फिर बाद में जब उस मकान में वह व्यक्ति रहना चालू करते हैं तो किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहना, मेहनत बहुत करने के बाद उत्तम परिणाम, सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होना, धन की सदैव हानि होना, नौकरी में, व्यवसाय में, करियर में असफलता की प्राप्ति होना, इस प्रकार संकटों से वह व्यक्ति घिरा रहता है। रोग, संकट, विफलता, यह वास्तु दोष के कारण व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। अब इन मकानों में, क्योंकि मकान बन चुके हैं, तो इन मकानों में बिना तोड़ा फोड़ी करे हम किस प्रकार वास्तु दोष से बचें, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। उन उपायों को करने से काफी हद तक उन वास्तु दोषों से हम निजात को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ईशान कोण है, ईशान कोण में पूजन का स्थान होना चाहिए या जल का स्थान होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उस ईशान कोण में हम मकान के ईशान कोण में हम किसी नदी का हम चित्र लगाएं या बहते हुए जल का चित्र लगाएं, और या फिर ईशान कोण में एक तांबे का पात्र हो जिसमें कम से कम 5 लीटर तक जल आ जाए, इस प्रकार बड़ा घगरा हो, ऐसे तांबे के पात्र में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध ताजा जल भर करके एक बूंद या दो बूंद उसमें गंगा जल डाल करके हम प्रतिदिन ईशान कोण में रखें और दूसरे दिन उस पुराने जल को बदल करके फिर से ताजा जल रखें। ऐसा करने से ईशान कोण के जो दोष हैं वो दोष खत्म होते हैं। दूसरा, आग्नेय कोण में यदि हम किचन नहीं बना पाए हैं, आग्नेय कोण अग्नि का स्थान होता है, उसमें रसोई होना चाहिए, किचन होना चाहिए, लेकिन आग्नेय कोण में हमने किचन नहीं बनाया है और उसके कारण यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो आग्नेय कोण में प्रतिदिन सुबह शाम हमको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और आग्नेय कोण में एक लाल बल्ब को भी हम जला सकते हैं, बिजली से जो इलेक्ट्रिक से जो बल्ब जलते हैं आग्नेय कोण में एक बल्ब हम 24 घंटे जलने दें। और तीसरा उपाय यह है कि आग्नेय कोण में ही हम गणेश जी की एक मधुर सुमधुर आशीर्वाद देती हुई प्रसन्न मुद्रा की फोटो वहां लगाएं, इससे आग्नेय कोण के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मकान में अन्य जो कोण रहते हैं उन कोणों के वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए वास्तु यंत्र को हम स्थापित कर सकते हैं। आग्नेय कोण में किसी शुभ मुहूर्त में उस वास्तु यंत्र को हम प्रतिष्ठित करा करके किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित करा करके अपने मकान के आग्नेय कोण में स्थापित करें। पश्चिम दिशा से संबंधित यदि किसी प्रकार के वास्तु दोष हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपके फेवर में है, शनि आपका शुभ है, तो पश्चिम दिशा में शनि यंत्र को भी स्थापित करने से पश्चिम दिशा के वास्तु दोष जो है समाप्त होते हैं। इस प्रकार और भी कुछ अन्य वास्तु दोष को समाप्त करने के, शांत करने के, कम करने के कुछ उपाय हैं। जिन उपायों को हम करते हैं तो निश्चित ही उस मकान को बिना तोड़े हम सुख, शांति, समृद्धि, लाभ इत्यादि को प्राप्त करते हैं।